तीन साल की लड़की, तीन महीने की लड़की साड़ी पहन के घर में रहेगी तब इनकी नीयत सही रहेगी। शर्म नहीं आती इनके मंत्री को कहते हुए? और ये लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर ये महिलाओं का सम्मान है तो हम लात मारते हैं ऐसे सरकार को, हम लात मारते हैं, लात मार के गिराते हैं ऐसी सरकार को। आज अडानी को 10 लाख करोड़ का लोन दे रहे हैं और एक भूखा रोड पर अपनी पीठ रगड़ के मर जा रहा है, और ये लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सिर्फ अंबानी अडानी का साथ देकर ये लोग कहते हैं सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनको सत्ता से भगा के रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? साक्षी गुप्ता नाम है मेरा। साक्षी जी, बेरोजगारी को लेकर आप मांग कर रही हैं कि रोजगार दिया जाए, सरकार कह रही है कि सब कुछ बढ़िया हमारे देश के अंदर। अगर सब कुछ बढ़िया होता तो आप बताइए कि ये जंतर मंतर पे इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या पागलों की भीड़ लगी हुई है? यहाँ पर लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार यहाँ पर प्रधानमंत्री होकर मोदी साहब ये कहते हैं कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है। इतनी नाराजगी क्यों है सरकार से? सरकार तो कहते महिलाएं का सम्मान हम करते हैं। क्या किया इन्होंने महिलाओं के लिए? इनका एक मंत्री कहता है इनको शर्म नहीं आती है, कहता है कि औरतों को लड़कियों इसलिए हो रहा है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहन के चलती हैं। इनको शर्म नहीं आती है कहते हुए? एक 3 साल की लड़की, 3 महीने की लड़की साड़ी पहन के घर में रहेगी तब इनकी नीयत सही रहेगी। शर्म नहीं आती है इनके मंत्री को कहते हुए? और ये लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर ये महिलाओं का सम्मान है तो हम लात मारते हैं ऐसे सरकार को, हम लात मारते हैं, लात मार के गिराते हैं ऐसी सरकार को। लेकिन महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी सरकार को बताया गया? कौन सा सर्वे इनका? वही सर्वे जुमलेबाज, जैसे ये जुमलेबाज सरकार है वैसे जुमलेबाज इनका सर्वे, सारा सर्वे जुमलेबाज है। और यही चीज देखिए जो न्यूज में ब्रॉडकास्ट करके दिखाया जाता है अधिकतर लोग वही देखते हैं, सोशल मीडिया पे बुजुर्ग लोग नहीं रहते हैं। वही चीज लोगों के अंदर बिठाई जाती है जो उनको दिखाना होता है। आज 15,000 रुपये लोग कमा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगार देश में फैलता जा रहा है, क्राइम देश में फैलता जा रहा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है, अशिक्षा देश में फैलती जा रही है। आज अम्बेडकर जी के रास्ते पर हमारा देश बिल्कुल नहीं चल रहा है। आज अडानी को 10 लाख करोड़ रुपये का बैंक से लोन दिया जाता है, नीरव मोदी जैसे लोग देश को लूट कर भाग जाते हैं। इनको, इनके लिए सरकार कोई भी योजना नहीं बनाती है इनको पकड़ने के लिए, लेकिन एक बेरोजगार युवा देश के अंदर अगर घूम रहा है तो उससे सरकार नफरत करती है। तो नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए हमें। अब सरकार कह रही है काम के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर से 24 में आ रहे हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता खुश हो। आज आप बताइए पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इनका 2014 में जब ये लड़ने वाले थे, सरकार बनाने वाले थे, उस टाइम इनका एक नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, की बार मोदी सरकार, कहाँ गए वो जुमलेबाजी वाले नारे, कहाँ गए वो धोखेबाज? तो ये सब एक जुमलेबाजी है देश के साथ। देश जाग उठा है, देश जान रहा है और देश की आंखें खुल चुकी हैं और 2024 दूर नहीं है। हम सब इनको बता देंगे, हम सब इनको दिखा देंगे कि हम युवाओं के अंदर कितनी ताकत है। अगर तुम बेरोजगारी देश में फैला सकते हो तो हम भी देश की सरकार को लात मार के गिरा सकते हैं। शौचालय बनवाकर उन्होंने सम्मान दिलाया महिलाओं को। मैं आपको बताऊं, मैं खुद यूपी से आती हूं, वहां पर शौचालय के नाम पर लोगों की ज़मीनें ली गई और फिर उनके कोई शौचालय नहीं, आवास योजना दी गई। RTI लगाकर देखिए यूपी में, वहां पर आपको हकीकत पता चल जाएगा। आवास योजना का लाभ जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मिला है और जिनको ज़रूरत है वो भी आज भी रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो कह रहे हैं कि हम विकसित देश बना जाएंगे, 25 साल और दे दो, अभी 8 साल ही तो हुए हैं सिर्फ। विकसित देश अपने दोस्तों के लिए बना रहे हैं, दोस्त इनका हमारे देश को खोखला कर चले जाएंगे और देश में इतनी बेरोजगारी फैला दो कि लोग अपने पेट के बारे में सोचें, लोग सवाल ना पूछें, लोग अपना अधिकार ना मांगे। इसलिए अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और देश को लूटने का काम चल रहा है, देश को बर्बाद करने का काम चल रहा है। आज देश का युवा, देश का हर एक नागरिक जाग उठा है।
कहते कि मोदी सरकार जैसी सरकार तो कोई आई नहीं, नंबर वन सरकार बिल्कुल नहीं आई इनकी जैसी सरकार, इतनी बड़ी धोखेबाज, इतनी बड़ी जुमलेबाज सरकार आज तक नहीं आई और ना आ सकती है। अभी 2024 में पता चल जाएगा कि नंबर वन नीचे से है या ऊपर से है, आप 2024 में देख लीजिएगा इसका एक नमूना। मोदी जी अपने दोस्तों का साथ दे रहे हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास, खाक का विकास। आज अडानी को 10 लाख करोड़ का लोन दे रहे हैं और एक भूखा रोड पर अपने पेट रगड़ के मर जा रहा है और ये लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सिर्फ अंबानी अडानी का साथ देकर ये लोग कहते हैं सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। मोदी साहब मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको चुनौती देना चाहती हूँ कि 2024 आज ऐसे धोखेबाज ऐसी झूठी सरकार को हम हटा के रहेंगे। 24 में फिर आ रहे हैं और अमित शाह कहते हैं 50 साल तक राज करेंगे हम लोग। कहते हैं 50 साल तक राज करेंगे, 50 साल तक। मैं आपको बताऊं देश के युवा के अंदर इतनी नफरत भर चुकी है कि आप देख लेंगे 2024 में कि इनकी सत्ता पूरा भगा के रहेंगे देश। और लोग कहते हैं मोदी जी भगवान का अवतार है, मोदी जी भगवान का अवतार है। तो लोगों का क्या है, कुछ लोग आप चंद लोगों से मिलेंगे यहाँ पे जितनी भी भीड़ खड़ी है, आप एक इंसान से पूछ लीजिए कि अगर वो रावण का, रावण तो फिर भी ज्ञानी था, रावण का अहंकार नहीं चला तो मोदी का अहंकार कब चलेगा। ये इनके अंदर अहंकार भर चुकी है और अहंकार सत्ता को ख़त्म करने के लिए भरता है और इनका सत्ता जाने वाला है। देश के युवा, देश का हर एक नागरिक जाग चुका है। तो आप जान लीजिए कि अब कि हम सब इनको 2024 में भगाने वाले हैं, बस ठान लिया कि 24 में वोट की छोड़ देंगे। बिल्कुल, हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनको सत्ता से भगा के रहेंगे। एक और बात जान लेते हैं, मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी नाराजगी इसलिए है मैडम, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने भी युवा मेरे भाई बहन घूम रहे हैं, यहाँ पर केजरीवाल जैसी सरकार थी जिसने सिविल डिफेंस की नौकरी निकाली है, नहीं तो मार्शल की नौकरी निकाली है, मोहल्ला मार्शल की तैयारी हो रही है। और ये जुमलेबाज धोखेबाज लोग कहते हैं कि हमें देश से प्यार है, देश से प्यार नहीं है, अपने दोस्तों से प्यार है। बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी घोटालेबाज है, घोटाला करा। कौन सा घोटाला किया है? इनको डर है, जब इनको डर होता है ये लोग ईडी खरीद लेते हैं, सीबीआई खरीद लेते हैं। अभी कल ही मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे छापा पड़ा, आप बताइए कि कोई भी चीज वहाँ से मिला, एक किताब, एक पेंसिल, एक रबड़, उनको बताइए, उनसे पूछ के आइए कि क्या मिला मोदी जी आपको छापा मरवा करके। इनका डर है और इनको पता चल चुका है कि इस बार मोदी वर्सेस केजरीवाल होना है, तो ये लोग अपना सत्ता बचा नहीं पा रहे हैं तो झूठ फैलाकर, नफरत की आग फैलाकर ये लोग अपना सत्ता बनाना चाहते हैं। देश जाग चुका है, देश जान चुका है और ये लोग 2024 में जाने वाले हैं, बुरी तरह जाने वाले। ठीक है, थैंक यू मैम, हमसे बात।